ये इस पुल की खासियत ये है कि इसके ऊपर से अब डर भी हमें लग रहा है कि जैसे कोई गाड़ी गुजरती है ऊंचाई ये बहुत है। पूरी हिलती है पुल। हाँ ठीक है, और बाकी हमारा 1 to 5 अभी तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जा सही रहा है। साथ दे रहा है, कोई पंचर वगैरह कोई परेशानी कुछ भी नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं मौजूद हूँ अभी डडियाल पुल पे, वो पुल जो आज़ाद कश्मीर को डडियाल से मिलाती है, ठीक है, जहाँ से डडियाल कनेक्ट होता है। तो बहुत ही बड़ी ब्रिज है, तो इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, आपको सारा विजिट कराऊँगा इंशाल्लाह। मेरे साथ मेरे भाई कैसर हैं। ये है जी मेन ब्रिज, अगर आप यहाँ से आएँ तो ये आप क्रॉस करेंगे तो आप डडियाल आगे स्टार्ट हो जाता है 10 किलोमीटर के फासले पर, ठीक है। वहाँ पे एक चौक है, ठीक है, वो अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो कोटली में आपको ले जाएगा आपको ट्रैक। तो ये है बहुत ही ऊंची और लंबी ब्रिज। ये भाई कैसर खड़े हैं, क्या हाल है, ठीक हो? हिल, ये तो हिल भी रही है काफ़ी, और खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, आसपास पहाड़, खूबसूरत नदी दरिया। ये दरिया मेरे ख्याल से पूंछ दरिया है जो तत्ता पानी के मुकाम पे जाके अटैच होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गाइस, एक बार आप नीचे देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे, इतना नीचे डर लगता है, गहराई बहुत है। बस अभी शाम का टाइम है थोड़ा, तो एंजॉयमेंट हो रही है भाई के साथ। तो रास्ते में जा रहे थे कोटली से, अभी हम घूम फिर के आए हैं। कोटली के व्लॉग मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं जाके। तत्ता पानी का भी मैंने अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो डडियाल बहुत ही पुरानी और काफ़ी मजबूत ये ब्रिज है, ठीक है, ये काफ़ी एरिया को कवर करती है। इसकी जो ऊँचाई है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, जितनी इसकी लंबाई नहीं है जितनी इसकी ऊँचाई है। तो पीछे भाई कैसे खड़े हैं उनसे पूछते हैं कि इस पे ब्रिज के बारे में क्या कहेंगे वो। और साथ ही बिल्कुल चेक पोस्ट भी है इनके, अगर मैं आप पुलिस की चौकी भी है साथ ही, और ये हमारा होंडा खड़ा है इसने आज तकरीबन 2000 का पेट्रोल खा ही होगा। क्या हाल है भाई, ठीक हो? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है भाई जान, खैर खरीत है। कैसी लगी पुल के बारे में क्या बोलेंगे? पुल ये अभी अभी बनाया गया है, तकरीबन 4-5 साल ही हुए हैं। ये पुल एक तो डडियाल जाता है, ठीक है, तो उसके बाद दूसरा इस डडियाल जाके वहाँ से आप जो है पिंडी जा सकते हैं। इसी पुल से? इसी पुल से आगे जाएंगे डडियाल, डडियाल से आप पिंडी जा सकते हैं, ठीक है। और पिंडी वाले इधर आ सकते हैं, पहले पिंडी वाले थे कि वो दीना मंगला होते हुए तो बहुत लंबा चक्कर था, पूरा बहुत लंबा चक्कर पड़ता था, ठीक है। अभी जिसने मरी भी जाना हो वो भी यहाँ से पिंडी जाए, वहाँ से मरी जा सकता है, ठीक है, ओके। और आज का टूर बहुत ही अच्छा रहा है, ये आखिरी वीडियो हमारे टूर की जी, वीडियोस तो काफ़ी बन चुकी हैं, कोटली वाली भी आप स्पेशली देखिएगा, उसके बाद ये डडियार वाली जो बना रहे हैं ये भी देखें, तत्ता पानी वाली, तत्ता पानी वाली स्पेशली वो, उसके बाद जो टनल है वो जो उसकी जो टनल है, काफ़ी खूबसूरत मंजर हमने कैच किए हैं कैमरे में, आप इंजॉय करेंगे उम्मीद है कि। और ये इस पुल की खासियत ये है कि इसके ऊपर से अब डर भी हमें लग रहा है कि जैसे कोई गाड़ी गुजर, ऊंचाई बहुत है, पूरी हिलती है पुल। हाँ ठीक है, और बाकी हमारा 1 to 5 अभी तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है, साथ दे रहा है, कोई पंचर वगैरह कोई परेशानी कुछ भी नहीं हुई, ठीक है। अभी तक हमने इसमें पेट्रोल डाला है तकरीबन 1200 के अराउंड, ठीक है, तो अभी वापसी भी होके भी जा रहे हैं, ठीक है।
तो अभी तक रिजर्व नहीं लगा, उम्मीद है कि पहुंच जाएगा। होंडे ने बड़े हमारा साथ दिया भाई, सुबह 8-9 बजे निकले थे, अभी तक होंडा सही सलामत है। होंडा होंडा है भाई, यहाँ ये है किसी ने पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा खाया है, बाकी खैर है। और दूसरी एक और बात, इस साइड जिसने भी आना है चाहे गर्मियों या सर्दियों, डबल डबल भाई जैकेट लगा के आना, ये देखें इसके नीचे एक और भी है, उसके नीचे भी एक और है, बैल गिरने का खतरा भी है। बैल के आसान आप डरेंगे। ओए ओए ओए, नीचे यार दरिया, ये खूबसूरत मंजर है कसम से। पहले जो पुरानी पुल है मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो देखें वो टूट गई थी, सैलाब आया था, ठीक है वो पुल। अच्छा ये पुरानी थी, ठीक है, वहाँ से रोड उधर आगे जा रहा था, वो पुल थी एक जो टूट गई थी सैलाब, क्योंकि ये दरियाई पानी है, उसके बाद जब ग्लेशियर ज़्यादा पिघलते हैं तो ये पानी काफ़ी मैदान में ऊपर ऊपर होता है, पानी लगी हुई है।